उस खड़ग का स्पर्श भी यदि वह कुमार करे कदापि स्वीकार नहीं है मुझे। महाराज 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 महाराज, आप जहां भी जा रहे हैं मैं भी चलता हूं आपके साथ। मेरा कथन तारकासुर ने अवश्य सुन लिया होगा, इसलिए हमें अभी यहां से लौट जाना चाहिए। कुमार कार्तिकेय, मैं आपको कब से कह रहा हूं, हम सभी को सुरक्षित कैलाश लौट जाना चाहिए और वहां एकत्रित होकर हमें विचार करना चाहिए। और वैसे भी ये संकट अब महासंकट में परिवर्तित होने वाला है, अब तो मेरी बात मान लीजिए और लौट चलिए यहां से। शीघ्र तुम एक सेनापति का दायित्व संभालोगे जो तुम्हारे लिए कांटों के मुकुट के समान होगा, क्योंकि यह दायित्व सरल नहीं होगा, उसे तुम्हें बहुत धैर्य और लगन से संभालना होगा। उचित है। बस अब बहुत हो गई देवताओं की मनमानी, किंतु अब मैं उन्हें उचित पाठ पढ़ाऊंगा। प्रतीत होता है भीषण युद्ध के लिए तत्पर है, तो अब महाराज अपने खड़ग की रक्षा हेतु उस भवन की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु उनके द्वारा बिछाए शोणितपुर के मायावी जाल को तो उन्हें स्वयं भी पार करने होंगे। हाँ कुमार कार्तिकेय, यही सर्वोत्तम निर्णय है, मेरा विश्वास कीजिए। मेरी अंतर्दृष्टि मुझे बार बार इस आगामी संकट को लेकर सजग कर रही थी, और यदि मेरे मुख से खड़क का उल्लेख हुआ है तो अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होगा, इसलिए हमें शीघ्र यहां से लौट जाना चाहिए। आइए चलिए। देवराज, मैं आपको वायुदेव और कुबेर देव को यहां से जाने से नहीं रोकूंगा, किंतु मैं स्वयं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा दायित्व मात्र स्वयं मेरे या आपके प्रति नहीं, अपितु इन ऋषियों के प्रति भी, जिन्हें तारकासुर ने यहाँ ऐसी दयनीय अवस्था में बंदी बनाकर रखा है। इसीलिए इस मायावी खड़क को नष्ट कर इस मायावी शोणितपुर के विनाश का दायित्व है मेरा, उन सभी देवताओं के लिए जिन्होंने तारकासुर के अंत के लिए महादेव अर्थात मेरे पिता से मेरे जन्म के लिए प्रार्थना की, जिनमें आप भी सम्मिलित थे देवराज, उन सभी के लिए ये दायित्व है मेरा। मेरे पिता महादेव नारायण ब्रह्मदेव और मेरी माँ जिन्होंने मुझे देव सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया और ये कार्य सौंपा उनके प्रति, ये दायित्व है मेरा, ये दायित्व है मेरा, ये दायित्व है मेरा। इसीलिए जब तक मैं अपना वो कार्य पूर्ण न कर लूं, अपने दायित्व को ना निभा लूं, मैं शोणितपुर से कदापि नहीं लौटूंगा। ऋषिगण, आप चिंता मत कीजिए, हम शीघ्र ही पुनः लौटकर आपको शोणितपुर से बाहर लेकर जाएंगे। कुमार कार्तिकेय, आपको जो करना है शीघ्र करें, क्योंकि अब तक उधर तारकासुर को आपकी योजना और उद्देश्य का भान हो चुका होगा और वो अब किसी भी क्षण यहाँ आकर आपको रोकने का प्रयास अवश्य करेगा ताकि आप उस खड़ग तक ना पहुँच सके। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। देवगण, ज्ञात नहीं इस मायावी भवन में कहां से क्या किस रूप में उत्पन्न होकर वार करते,
कहीं तारकासुर स्वयं ही ना पहुंचे। नहीं, मुझे अन्य देवताओं से बिछड़ना नहीं चाहिए, मुझे उन्हीं के साथ रहना चाहिए। अब इस कुमार कार्तिकेय की क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। जो आशंका थी वही हुआ, महाराज की बिछाई बाधाएं अब उन्हीं के मार्ग को रोकने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। कोई बात नहीं, मैं नीचे जाकर उन्हें अपने पृष्ठ पर उठा लेता हूं। महाराज संभल कर, महाराज मेरे आगे आपके ही बिछाए जाल हैं। आइए मेरी पृष्ठ पर आरूढ़ हो जाइए। महाराज के पांव जहां पड़ रहे हैं, ये मायावी जीव स्वयं उनके मार्ग से हट रहे हैं और ये मायावी जल उनके पांव रखने हेतु थल में परिवर्तित हो रहा है। और खट्टा सर, शौनकपुर का निर्माण स्वयं किया है मैंने। यहाँ का प्रत्येक जीव सेवक है मेरा, और कोई सेवक अपने स्वामी का मार्ग कैसे बाधित कर सकता है। इधर तारकासुर अपने प्राण सुरक्षित करने और कुमार कार्तिकेय के साथ तीनों देवताओं का अंत करने तीव्र गति से अपने भवन की ओर अग्रसर था, और उधर कुमार कार्तिकेय, देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर जी उसके द्वितीय स्तर पर पहुंच चुके थे। वहां क्या हुआ उनके साथ? सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर उपवन तो हमने कहीं नहीं देखा, और वो जो पुष्प, इतना दुर्लभ पुष्प तो हमारी नगरी में भी नहीं है। आहा, आनंद आ गया। सुंदर, अति सुंदर, कितना भव्य और मनमोहक चित्र है ये। अद्भुत। देवगण, सावधान रहकर आगे बढ़िए। उचित है कुमार कार्तिकेय। देवी शची के केशों में सुशोभित होता तो उनके सौंदर्य को अनेकों गुना बढ़ा देता। असुरी जंतु में परिवर्तित हो गए। कुमार, अबे भी स्वर नहीं, इंद्रदेव बंद जाओ मेरे बंधन में।
संपूर्ण रूप से मेरे वश में हो गए हो। मैं तुम्हारे वश में हो गया। अब मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। मैं तुम्हारा भोजन। देवराज, देवराज इंद्र। कुमार कार्तिक, आप सावधान रहिएगा। ऐसा प्रतीत पड़ता है जैसे इस विकराल अजगर ने देवराज को सम्मोहित कर लिया। आप यहीं रुकिए देवगण। मैं इस देवता को अपना भोजन बनाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। देवराज को अपने बंधन से मुक्त करो। अद्भुत, कुमार कार्तिकेय ने तो अजगर को ही अपने सम्मोहन में बांध लिया। तुम अपना शीश इस खंभे से टकराओगे। कहीं ये विकराल सर्प देवराज पर ही ना गिर पड़े। ये अजगर, इसका ये मृत शरीर यहाँ कैसे आ गया? ये हो क्या रहा है यहाँ पर? आप कुशल तो है ना देवराजेंद्र? क्या मैं कुशल हूँ कुमार कार्तिकेय? क्या मैं आपको कुशल प्रतीत होता हूँ? मैं आपको कब से कह रहा, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, किंतु नहीं। आपको तो मेरा सुझाव मानना ही नहीं। यदि आप देव सेनापति हैं तो क्या हम सभी के प्राण आप ऐसे ही संकट में डालते रहेंगे? देवराज इंद्र, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? आपको तो कुपित होने के स्थान पे कुमार कार्तिकेय का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने बार बार हमारी रक्षा की है और आप है। हाँ कुबेर जी, यदि वो मेरा सुझाव पहले ही ले लेते तो उन्हें मेरे प्राणों की रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नहीं देवराज, अभी तो सत्य तो ये है कि यदि आपने मेरा कहा सुना होता तो मुझे आपके प्राणों की रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरे इतने सरल निर्देश सुनने में और समझने में असमर्थ क्यों है आप? मैंने स्पष्ट कहा था कि यहां शोणितपुर में जो जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं। यदि यहां राक्षस ऋषियों में परिवर्तित हो सकते हैं तो सुंदर दिखाई देने वाले पुष्प भयंकर जीव जंतुओं में नहीं परिवर्तित हो सकते। उस मायावी पुष्प को स्पर्श करने के लिए किसने कहा था आपसे? अब ध्यान रहे, यहां कोई भी कुछ भी स्पर्श नहीं करेगा। हम बहुत समय व्यर्थ कर चुके हैं। इससे पहले कि तारकासुर वहां पहुंच जाए हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मुझे संदेह अभी तक हमारे पड़ते पगों को रोकने के लिए वो निकल भी चुका होगा। हाँ,
कुमार कार्तिकेय मेरे तारकासुर के शौनितपुर में मुझे ही पराजित करने चले हो तुम? कदापि नहीं होगा ऐसा, कदापि नहीं। ये क्या हो रहा है? सभी मूर्तियां तो असुरों में परिवर्तित हो रही। सुर के आसुरी जीवों का भी अंत करूंगा मैं। देवगुरु, हम एक दूसरे से पृथक होकर असुरों को वश में करते हैं। मेरा सामना करोगे तुम? इतना सामर्थ्य है तुम में? दूसरी माया उत्पन्न। शौनितपुर की माया देवताओं की सोच से अब परे होती जा रही थी, क्योंकि विकराल अजगर के बाद अब ये नवीन संकट देवताओं के लिए पुनः एक चुनौती बन गई। अरे ये कौन पकड़ रहा है मुझे पीछे से? आ!
अब बस यही शेष, इनका भी अंत करूंगा मैं। लो दुष्टों, अब अपने काल से भेंट करो। देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर जी कहाँ हैं? कहाँ अदृश्य हो गए आप सभी? यहाँ कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए, इस तरफ, इस ओर देखिए कुमार कार्तिकेय। हम इस चित्र के भीतर हैं। कुमार कार्तिकेय, हम इंसान हैं कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए। कुमार कार्तिकेय, हम यहाँ हैं। मुझे यहीं कहीं निकट उनकी उपस्थिति का आभास तो हो रहा है, किंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या हमारा स्वर आप तक नहीं पहुंच पा रहा? कुमार कार्तिकेय, हम यहाँ हैं, इस ओर। यहाँ देखिए कुमार कार्तिकेय, हम यहाँ हैं, हम इस ओर हैं। यहाँ देखिए, जंगल, जंगल बचिए। यहाँ तो मात्र एक चित्र है। ये कुमार कार्तिकेय तो लौट रहे हैं। अब हमें यहाँ से कौन मुक्त कराएगा? कैसे संकट में उलझ गए हम? कुबेर देव कहाँ हैं आप? देवराज, वायुदेव, कुमार कार्तिकेय यहाँ देखिए। वायुदेव, देवराजेंद्र, वायुदेव, कुबेर देव कहाँ हैं आप? कुमार कार्तिकेय यहाँ हैं हम। यहाँ, इस ओर, कुमार कार्तिकेय। अचानक ये तीनों देवता अदृश्य कहाँ हो सकते हैं? किंतु यदि वो यहीं थे तो जा कहाँ सकते हैं? यहीं कहीं होना चाहिए उन्हें। ये कैसा स्वर है? कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए। यहाँ हम, कुमार कार्तिकेय, देखिए। कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए। देवगन, कुमार कार्तिकेय, देवगन, कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए। देवगन, भागिए यहाँ से। कुमार कार्तिकेय, वायुदेव, वायुदेव चलिए। क्या हुआ? अरे वहाँ देखिए, उस ओर, भागिए यहाँ से। ये सैनिक इतने निकट कैसे पहुंच गए? कुबेर जी चलिए। कुबेर जी, वहाँ देखिए, भागिए यहाँ से, चलिए, भागिए, चलिए। इस चित्र को लेकर विचित्र सा आभास क्यों हुआ मुझे? मेरे समझ में यह नहीं आ रहा, ये असुर सैनिक हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? देवराज, इस माया नगरी शोनितपुर में कुछ भी समझ आ रहा है क्या आपको? कुमार कार्तिकेय भी हमें नहीं देख पा रहे हैं। अब हम इस चित्र से बाहर कैसे निकलेंगे? वो सब छोड़िए और भागिए यहाँ से, चलिए भागिए। तुमने हमारे चित्र में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें तो हम जीवित ही अपना हार बनाएंगे। Wait, no!
ये मैं पीछे की ओर क्यों जा रहा हूँ? देवराज इंद्र, वायुदेव, रक्षा कीजिए! कुबेर जी, वायुदेव शीघ्रता कीजिए! दुष्ट चलो! तुम्हारा इतना दुस्साहस, मैं तुम्हें अभी उचित दंड दूंगा। ये मेरा वज्र प्रकट क्यों नहीं हो रहा? देवराज, प्रतीत होता है इस मायावी चित्र में प्रवेश करने के कारण हमारी शक्तियां क्षीण पड़ती जा रही हैं। तो शत्रु, हम अभी आकर कुबेर जी को तुमसे मुक्त कराएंगे। तुम दोनों भी आओ, तुम दोनों को भी बंदी बनाएंगे हम। कुबेर देव, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको इस पाश से मुक्त करता हूँ। देवराज, शीघ्र कीजिए। हाँ हाँ कुबेर देव। वायुदेव, आप भी इंद्रदेव की सहायता कीजिए ना। देवराज, सावधान रहिए। कुबेर देव, हटिए। देवगण, इन असुर सैनिकों को भ्रमित करने हेतु हमें भिन्न दिशाओं में भागना होगा। भागिए, भागिए यहाँ से। मैं उस बड़े पूरे शरीर वाले देवता के पीछे भागता हूँ। मैं उसके नायक के पीछे जाता हूँ और तीसरे देव को हम उसके उपरांत भी बंदी बना लेंगे। कुमार कार्तिक, वो तो इस चित्र के बाहर सुरक्षित है, किंतु हमें उन्होंने इतने बड़े संकट में डाल दिया। मैंने उन्हें कितनी बार कहा, यहाँ से लौट चलिए, लौट चलिए, किंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी। याद नहीं कहाँ और कैसे संकट में होंगे ये तीनों देवता। मैं शीघ्र ही इन्हें ढूंढना ही होगा। वायुदेव, इंद्रदेव, महाराज, ये तो वही सीढ़ियां हैं ना जो ऊपर ले जाने के स्थान पर नीचे ले जाती हैं। इसलिए ऊपर भवन तक पहुंचने के लिए आपको भी कुमार कार्तिकेय के समान नीचे लुढ़कना होगा ना। मेरे प्रिय अट्टासर, आओ मेरे समक्ष आओ। क्या कर रहे हैं महाराज? छोड़े महाराज, छोड़े मुझे। मूर्ख, ढलान पर मुझे नहीं तुझे लुढ़कना होगा, क्योंकि मेरे शौनितपुर के स्वामी महाराज तारकासुर के लिए ये सभी सीढ़ियां वहीं जाएंगी जहां मैं चाहता हूं। सावधान कुमार कार्तिकेय, सावधान। त्रिलोक विजेता तारकासुर अब शीघ्र पहुंचने वाला है वहां। ये तो मेरा बहुत निकट आ गया, अब क्या करूं? उसके भीतर छुप जाता हूं।
अवस्था अत्यंत ही गंभीर एवं चिंतनीय थी। उन्हें प्रतीत हुआ कि उन्होंने स्वयं को संकट से मुक्त कर लिया है, किंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनका ये संकट अब एक नवीन रूप में उनके समक्ष आने वाला है। चलो, इन असुर सैनिकों से छुटकारा प्राप्त हुआ, अब मैं सुरक्षित हूं। पता नहीं है वायुदेव और इंद्रदेव कहां होंगे। पहुंच गया मैं। कौन कौन है वहां? नहीं, सभी देवता कहां और किस संकट में उलझ गए। यदि वो मुक्त नहीं हुए तो मां और पिताश्री को क्या उत्तर दूंगा मैं। कौन है ये वृद्धा? अरे पुत्र, क्या तुम भटक गए हो? देखिए, आप जो कोई भी हैं, क्या आप इस चित्र से बाहर निकलने में मेरी कोई सहायता कर सकती हैं? अवश्य करूंगी तुम्हारी सहायता। तो शीघ्र बताइए ना, इस चित्र से बाहर जाने का मार्ग कहाँ है? एक क्षण रुको पुत्र, मुझे थोड़ा विचार करने दो। प्रतीत होता है इस वृद्धा की स्मरण शक्ति वृद्धावस्था के कारण क्षीण पड़ चुकी है। हाँ, मुझे स्मरण हो गया, स्मरण हुआ। अब उत्तम है, उचित है। तो बताइए ना, कहाँ है वो मार्ग? हाँ, स्मरण हो गया मुझे, किंतु यहाँ से बाहर जाने का मार्ग ज्ञात करने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का उचित उत्तर देना होगा। प्रश्न? अब कैसा प्रश्न? वैसे ही इस माया जाल में प्रवेश कर मेरी बुद्धि मंद पड़ गई है और यह वृद्धा मुझसे अपने प्रश्न का उचित उत्तर पाना चाहती है। देखिए, मैं संपूर्ण जगत के धन और संपत्ति का संरक्षक कुबेर हूँ। आपके इस प्रश्न उत्तर की क्रीड़ा के लिए समय नहीं है हमारे पास, परंतु हाँ, यदि आप हमें मार्ग दिखा देंगी तो मैं आपको इसका उचित पुरस्कार दूंगा, आपको अथाह धन संपत्ति दूंगा। अच्छा, तुम मुझे अथाह धन दोगे? हाँ, अब जितना कहेंगी उतना। उचित है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग अवश्य दिखलाऊंगी। हाँ। तुम्हारे पीछे ही वहीं से मार्ग प्राप्त होगा तुम्हें। अभी तो यहाँ कोई कूप नहीं था, ये
अचानक कैसे उत्पन्न हो गया? पुत्र? धन प्राप्त करने की बहुत लालसा है ना मुझे, इसीलिए तुम्हें मार्ग दिखला रही हूँ। संकोच मत करो पुत्र, जाओ जाओ सोर। उचित है। बस तुम्हें ध्यान से देखकर उसे ढूंढना होगा। किंतु मुझे तो यहाँ अंधकार के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए तो भटके हुए हो तुम पुत्र। पहले आते हुए तुम्हें कूप नहीं दिखाई दिया और अब उसके भीतर जाकर बाहर निकलने का मार्ग नहीं देख पा रहे हो। ध्यान से देखो पुत्र, ध्यान से। अब उचित है, अब पुनः देखता हूँ। क्या हुआ पुत्र, मार्ग दिखा तुम्हें। रुको मैं दिखाती हूँ मार्ग। इंद्रदेव, स्थिति अत्यंत जटिल, शीघ्र ही तारकासुर के अंत के लिए वो खड़क प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। किंतु मुझे आभास हो रहा है कि देवगण सुरक्षित नहीं, अवश्य ही उन पर कोई घोर संकट आया होगा और वे कहीं किसी माया में उलझ गए हैं। एक और उसके समूह को यहाँ से जाने दिया। और तुम सब भी स्वयं हिसाब से मुक्त हो गए, ऐसी कृतज्ञता करने का परिचय दिया तुमने। अब मैं सर्वप्रथम उस कुमार कार्तिकेय को उचित पाठ पढ़ाऊंगा और फिर यहाँ लौटकर तुम सभी को ऐसी यंत्रणा दूंगा कि सदा तुम्हें इसका स्मरण रहेगा। स्मरण रहेगा तुम्हें। ये तो देवराज इंद्र का वज्र है। यदि ये वज्र यहाँ है तो अवश्य देवताओं का कोई और संकेत भी होगा। यहाँ ये चित्र तो वन में स्थित एक ग्राम का है, तो फिर इसमें पद चिन्ह क्यों है? जैसे उस स्थान पर कोई बार बार उछल रहा था। नहीं, मेरी कल्पना की रान मात्र है। देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर देव इस अत्यंत अल्प आकार के चित्र में कैसे स्थित हो सकते हैं? बुद्धि को सीमित करना सफलता के मार्ग को बाधित करने के समान है। तुम्हारे मन में ये विचार क्यों उत्पन्न हुआ कि इस लघु आकार के चित्र में देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर जी समाहित नहीं हो सकते? किंतु माता, देवताओं का विशाल आकार इस चित्र में कैसे समा सकता है? पुत्र, इस संसार में ना कुछ छोटा है ना बड़ा, आकार ही सब कुछ नहीं होता। जब ऋषि अगस्त्य इतने विशाल सागर के जल का पान करने में सक्षम, नारायण के अवतार वामन जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तीन पग में नाप लिया, तो इंद्र आदि देवता इस चित्र में स्थित क्यों नहीं हो सकते? पुत्र, अपनी बुद्धि और कल्पना शक्ति को मुक्त कर
तर्क बुद्धि उपयोगी होने के साथ कभी कभी कल्पना के प्रभाव में बाधा बनती, जबकि कल्पना शक्ति रचनात्मकता तार्किक बुद्धि की समझ सीमाओं को भेद देती है। पुत्र धन्यवाद माता। माता का संकेत स्पष्ट है, हो ना हो तीनों देवता इसी चित्र के भीतर है, मुझे भी इसके भीतर प्रवेश करना ही होगा। अवश्य ये पदचिन्ह मुझे वहां पहुंचाएंगे जहां तीनों देवता स्थित हैं। प्रतीत होता है कि ये देवता ऐसे नहीं मानेंगे। महाराज तारकासुर इस चित्र के स्वामी हैं। इसीलिए यदि कोई और इसमें प्रवेश करेगा तो दंड स्वरूप वो हमारा आहार बनता है। मैं व्यर्थ में इन असुर सैनिकों का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो मात्र सेवक हैं। इन्हें किसी युक्ति से यहां से कहीं और भेजना होगा मुझे। रुको रुको, तुम दोनों स्वयं अपने प्राणों को इतने बड़े संकट में क्यों डाल रहे? संकट? कैसा संकट? मुझे बंदी बनाने हेतु तुम इस चित्र में अपने स्थान से हट गए, जो कि इस वन से बाहर है, और तुम्हारा स्थान रिक्त हो गया। पर यदि अब तुम मेरा पीछा करने में और अधिक समय व्यतीत करोगे तो कदाचित कोई और जीव जंतु उस स्थान पर स्थित हो गया तो तुम दोनों कहां जाओगे? देखो, मैं इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेरदेव तो इस चित्र के भागी नहीं है, किंतु हमें पकड़ने की लालसा में तुम्हें अत्यंत भीषण परिणाम का सामना करना पड़ सकता है, और जिसकी कल्पना मात्र से मेरे मन में तुम्हारे लिए दया उत्पन्न हो रही है। उचित ही कह रही है, ये तो मायावनी असुरा का स्थान है, वो तो इसे अपना ग्रास बना ही लेगी, किंतु ये भी हमसे छीन लिया तो फिर कहां जाएंगे? हम तो अभी लौट कर पुनः अपने स्थान पर स्थित हो जाएंगे, किंतु तुम्हारा यहाँ क्या परिणाम होगा वो किसे ज्ञात है? इनके साथ तो अधिक समय व्यर्थ नहीं गवाना पड़ा मुझे, किंतु अब मुझे देवताओं को ढूंढना चाहिए। ये कैसे स्थान पर पहुंच गया हूं मैं? अब ये भी ज्ञात नहीं कि देवराज इंद्र और कुबेर जी कहां होंगे। कुबेरदेव, ओ तो वायुदेव का स्वर, वो तो मुझे पुकार रहे, प्रतीत होता है वो किसी संकट में है, मुझे उनकी सहायता करनी होगी। वायुदेव, मैं आ रहा हूं। देवराज,
कुबेर देव, आप हैं यहाँ? कौन है? कौन है आप? अरे भयभीत क्यों हो गए पुत्र? तुम उस भरे पूरे शरीर वाले देवता को ही ढूंढ रहे हो ना? हाँ, वो कुबेर जी है। क्या आपने देखा उन्हें? देखा ही नहीं, मैंने तो यहाँ से बाहर जाने में सहायता भी की है उनकी। क्या? तो कुबेर जी इस मायाजाल से बाहर निकल गए? तो कृपा कर आप मुझे इस मायाजाल से बाहर जाने का मार्ग दिखा सकती हैं? हाँ हाँ पुत्र, अवश्य दिखा दूंगी, किंतु उसके लिए तुम्हें भी उस देवता के समान मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वायुदेव कहाँ है आप? वायुदेव! मैं सत्य कहूँ तो अभी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की अवस्था में नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, आओ मेरे साथ। अरे संभालिए अपने आप को। पुत्र वृद्धावस्था है ना, मेरा दुर्भाग्य है, जल का पान करना चाहती हूँ। कूप भी है यहाँ, पर कूप से जल निकालने का सामर्थ्य शेष नहीं है इस वृद्ध शरीर। तो आप मुझे बताइए ना, मुझसे कहिए ना आप, मैं आपके लिए जल निकाल कर ला दूंगा। आपका कूप कहाँ है? ये कूप यहां था तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? नहीं दिखाई दिया होगा, मेरा मन इतना विचलित जो था। अब तो इसे जल निकालना चाहिए मुझे, तभी ये वृद्धा मुझे यहां से बाहर जाने का मार्ग बता सकेगी। कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु क्या आपने मेरे मित्रों अर्थात तीनों देवताओं को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं पुत्र, यहाँ तो कोई भी नहीं आया।
ये पश्चिम तो उस कूप की ओर जा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे ये वृद्ध असत्य कह रही हो? अच्छा, कोई बात नहीं, धन्यवाद, मैं कहीं और ढूंढता हूं। तीनों मूर्ख देवताओं को कूप में धकेलने में मुझे अधिक कठिनाई नहीं हुई थी, किंतु ये उनसे भिन्न प्रतीत हो रहा है। यदि मैं इसको भी अपने जाल में उलझाकर कूप के भीतर गिरा दूं, तो सर्वप्रथम इसे काबूज करूंगी मैं। पुत्र जी, प्रतीत होता है तुम यहाँ भटक गए हो पुत्र। कदाचित आप सही कह रही हैं, किंतु ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? बस एक अनुमान था मेरा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखा सकती हूँ। तब तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा पुत्र। यहाँ से बाहर जाने के लिए पहले तुम्हें मेरे तीन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सफल रहे, तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकोगे। किंतु यदि तुम ऐसा नहीं कर सके, तो तुम सदा के लिए यहाँ बंदी बनोगे। आप प्रश्न पूछिए ना, मैं उनके सर्वथा उचित उत्तर दूंगा। अच्छा पुत्र, ये बताओ कि जल से पतला क्या होता है? ज्ञान। इस प्रश्न का उत्तर है ज्ञान, क्योंकि अतः ज्ञान भी हम अपने छोटे से मस्तिष्क में सरलता से समा सकते हैं। अच्छा तो पुत्र, अब ये बताओ अग्नि से तीव्र क्या होता है? ये तो और भी सरल है। अग्नि से भी तीव्र होता है क्रोध, क्योंकि क्रोध रूपी अग्नि तो इतनी भयंकर होती है कि उसमें क्षण भर में सब कुछ भस्म हो जाता है। वो तो उचित है पुत्र, किंतु तुम उत्तर देने के पूर्व कूप में क्यों झांक रहे हो? क्यों ना झांकूं भला, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो इस कूप में है। क्या, ये क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ, आपको ये ज्ञात नहीं था क्या? अब आप स्वयं ही विचार कीजिए ना, यदि मुझे यहाँ से उत्तर प्राप्त नहीं हो रहे होते, तो मैं इतनी कठिन पहेलियां कैसे सुलझा पाता? कहीं इसके साथ ही अन्य देवता उस कूप के जल की सतह पर ही तो स्थित होकर इसे उत्तर नहीं बता रहे? यदि ये सत्य है, तो पहले मैं उन्हें का अंत कर। अच्छा चलिए, अब मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा ये बताइए, भूमि से भी अधिक भार किस में होता है? मैं देता हूं इसका उत्तर। भूमि से भी अधिक भारी होते हैं पाप, वही पाप जो आप कर रहे हैं निर्दोषों को इस कूप में ढकेल कर। ये क्या किया तुमने? सब नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा सब। अंततः चित्र से हम तीनों तो बाहर आ गए, परंतु कुमार कार्तिकेय वो कहाँ है?
मायावी क्षेत्र तो चल रहा। हमें इस माया जल से मुक्त कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। अब हम सभी पुनः सुरक्षित हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे हम उस वस्तु तक पहुंच सके।